नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पीड नेटवर्क पर। जी दोस्तों, यहां पर आपको EPS 95 पेंशनर और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो राइट अपडेट होती है वही अपडेट यहां पर आपको दी जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हमने नहीं सोचा था वही EPFO ने करके दिखाया है। जी दोस्तों, क्या क्या EPFO ने 2006 के बाद में रिटायरमेंट पेंशनरों को बड़ी खुशखबरी दी है, लेकिन उनको एक अलग टॉपिक दे दिया गया है। उस टॉपिक का बड़ा टेंशन होने लग गया है सभी को। तो दोस्तों, वो टॉपिक क्या है और 2006 के बाद रिटायर हुए हैं जो 2021 तक, उनको क्या खुशखबरी ईपीएफओ की तरफ से मिली है। जी दोस्तों, ईपीएफओ ने फाइनल ये साफ साफ कह दिया है कि 2006 के बाद रिटायरमेंट पेंशनरों को इतनी पेंशन मिलने वाली है और इतनी तारीख से मिलने वाली है। और दोस्तों, 2006 के बाद जो पेंशनर है उनके लिए थोड़ा सा झटका सा लगा है। इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर EPS 95 पेंशनर और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ही अपडेट दी जाती है, अदरवाइज कोई भी अपडेट नहीं दी जाती है। तो आपका सहारा ही हमारा भविष्य है। तो दोस्तों, इस वीडियो का लाइक गेम रखते हैं 2000। पिछले वीडियो का 2000 का लाइक गेम रखा था, 1000 हो चुके हैं, 1000 और बाकी है, तो उसको 1000 तक पहुंचाएं। और इस वीडियो का लाइक गेम है 2000 तक इस वीडियो को लाइक पहुंचाएं, क्योंकि हमारी मेहनत का फल भी हमें मिलना चाहिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो हम आप भी हमें सपोर्ट करें। बस दोस्तों, बिना फालतू की कोई भी जानकारी हम नहीं देंगे, बात भी नहीं करेंगे, सीधा हम टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, आज ईपीएफओ ने ट्वीट करके बताया है कि सभी ईपीएस 95 पेंशनर जो कि 2006 के पहले रिटायर हुए हैं, 2006 के पहले रिटायर हुए हैं, उन सरकार और ईपीएफओ दोनों ने ये सीबीटी मीटिंग में तय करने की बात की है। जी दोस्तों, सीबीटी मीटिंग जो 25-26 तारीख को लमसम हो जाएगी, उसमें ये तय करने की बात कही है कि अब जो पेंशनर है वो 2006 के पहले रिटायर हुए। जी दोस्तों, 6 से बाद की रिटायर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं 2006 से पहले, जैसे कि 2006 से 5, 4, 3, 2, 1, 2006 से 2006 से पहले लेकर के 1992 तक के बीच की शेड्यूल अलग कर दिया गया है। जी दोस्तों, इसको चार भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग ये है कि 2016 के बाद का रिटायर, ठीक है, 2016 से लेकर के और आज तक अभी तक 2021 तक रिटायरमेंट हुए उनके, ठीक है, एक भाग ये हो गया। दूसरा भाग हो गया कि 2016 से लेकर के 2006 तक का, ठीक है, और तीसरा भाग हो गया 2006 से लेकर के और 90 तक हो गया, ठीक है, 90 मान लीजिए, 92 दो साल में, तो चलो ठीक है, काफ़ी सारे हो जाते, लेकिन उसमें 90 और 90 के बीच में दिया गया, ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद में 92 से 90 से पहले रिटायरमेंट हुए उनके लिए अलग कर दिया गया है। अब 90 से जो पहले रिटायरमेंट हुए हैं, 90 से 90 के शतक में उससे पहले जो रिटायरमेंट हुए उनको 3500 रुपये फिक्स मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 90 से पहले जो रिटायरमेंट हुए हैं उन रिटायरमेंट पेंशनरों को 3500 रुपये फिक्स मिलने वाले हैं। आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि 1990 से पहले भी जो रिटायरमेंट पेंशनर है वो भी हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं। अगर आप जुड़े हुए हैं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो यार प्लीज़ आप कुछ भी कमेंट कर देना, नाइस वगैरह, गुड वगैरह, चाहे आइकॉन या इमोजी भेज देना आप, इमोजी होते हैं हंसने वाले, लव वाले, कुछ भी इमोजी वगैरह भेज देना आप, लेकिन कुछ ना कुछ कमेंट कर देना, तो मुझे पता चल जाए कि इस चौथी कैटेगरी वाले बंदे भी हमारे चैनल पर है। तो उनके लिए भी मैं चैनल पर वीडियो बनाता रहूँगा और आगे बता दूंगा आपको कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिससे आपकी पेंशन बढ़ोतरी हो सके और अन्य फायदे भी आप ले सकते हैं। जितने पुराने हैं, जितने पुराने लोग हैं, उनको ज़्यादा ज़्यादा फायदे मिल रहे हैं, तो आपको अदरवाइज फ़ायदे भी मैं आपको बता दूंगा, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब दोस्तों, चौथे की बात ये हो गई, क्लियर है चौथे की बात, ज़्यादा कुछ हम इसमें बहस नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल साफ साफ आपको बता देते हैं, चौथा क्लियर हो गया। अब दोस्तों, तीसरे में दोस्तों ईपीएफओ कह रहा है कि हमने ये चौथा पार्ट है, जो चौथा पार्ट में पेंशनरों को अलग कर दिया गया है, ठीक है, और उसमें 3500 रुपये उनको दे दिए जाएंगे और उस पार्ट को अलग कर दिया गया है। लेकिन अब तीसरे पार्ट का झंझट चलने लग चुका है। इस झंझट में क्या है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि
आंदोलन कर रहे हैं कि हमें पेंशन 7500 डीए दिया जाए या फिर हमारी सैलरी के अनुसार पेंशन दी जाए। सरकार बोल रही है कि इनको रिटायरमेंट के अनुसार एक ही समान पेंशन दे दी जाए 3500 रुपये। तो ईपीएफ बोल रहा है कि एक समान पेंशन तो 3500 रुपये उनको दी जाएगी जो 1990 से पहले रिटायरमेंट हुए थे, उन लोगों को दी जाएगी वो पेंशन। तो ठीक है, तो इस तीसरे टॉपिक को लेकर के ईपीएफओ ने जल्द ही ऐसा निर्णय लिया है कि सीबीटी मीटिंग करेंगे। उस सीबीटी मीटिंग के अंदर जो 1990 से लेकर के 2006 तक के बीच में जो भी बंदे रिटायरमेंट हुए हैं, जो भी भाई या बहन रिटायरमेंट हुए हैं, उनके लिए अलग से शेड्यूल तैयार किया जाएगा। दोस्तों अभी मुझे भी इनके बारे में नहीं पता है, चौथे पार्ट के बारे में मुझे पता है तो मैंने आपको बता दिया, और तीसरे पार्ट के बारे में मुझे नहीं पता है। पहला और दूसरा पार्ट का मैंने वीडियो बना दिया है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहाँ पर जा करके इन पहले और दूसरे पार्ट का वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि पहले पार्ट के अंदर आपको 2016 के बाद में रिटायरमेंट हुए उनको उनकी सैलरी, उनकी आयु और उनके रिटायरमेंट की सैलरी और उनकी एज और उनका जो अभी पेंशन उनको कितनी मिल रही है, और एक और था वो क्या था, इस चार चीज़ें थी वो उन चार चीज़ों से उसको पेंशन दी जाएगी। और यही सेम सिस्टम इसमें है, लेकिन इसमें इनकी वर्तमान पेंशन को नहीं देखा जाएगा, सभी की समान पेंशन 9008 रुपये तक कर दी जाएगी। ये तो दोस्तों दो पार्ट है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप चेक कर लेना। और तीसरा पार्ट का अभी तक कोई पता नहीं है, ईपीएफओ जब तक मीटिंग नहीं करेगा, सीबीटी मीटिंग नहीं करेगा, तब तक इसका पता नहीं चलेगा। हो सकता है पहले भी बता सकते हैं कि आंकड़े इस प्रकार जारी किए जाएंगे। और चौथे पार्ट में ये ऐसा किया जा रहा है कि 3500 रुपये सभी को फिक्स दे दिए जाएंगे, क्योंकि इनको इनकी किसी की नौकरी 5 साल की, किसी की 4 साल की, किसी की 2 साल की है, तो ये पेंशनर है जो काफ़ी कम मात्रा में है। ठीक है, और दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट वाले सबसे ज़्यादा है, चौथे पार्ट वाले भी और कम है, लेकिन ये दो पार्ट ज़्यादा है, तो इनके लिए अलग से पेंशन की लिस्ट जारी की जाएगी, आंकड़ों की लिस्ट जारी की जाएगी, वो टेबल मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम आपको यहाँ पर एकदम सही और राइट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि 1990 के बाद अगर आप रिटायरमेंट हुए हैं, सॉरी उसके बाद उस साइड बाद, मतलब कि 90 से पहले, जैसे कि 88 में, 87 में, 84 में, 85 में, वैसे 70 में, वो नीचे चाहे कभी भी आप रिटायर हुए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हम आपके चैनल पर जुड़े हुए हैं, हम इतने सारे लोग हैं, तो मुझे भी पता चले कि उनके लिए भी मैं कुछ आगे कुछ योजना के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही कहना था, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, शुभ दिन के साथ में, घर में रहें, सुरक्षित रहें, मज़े में रहें।